मेरे पीछे दुनिया का सबसे बड़ा दीपक रामलला के लिए जलाया जा रहा है। ये दीपक देखिए, ये स्विमिंग पूल से भी बड़ा है, 308 मीटर इसकी परिधि है और इसमें लगभग 21,000 लीटर तेल डाला जाएगा। आप जब वहाँ पर देखेंगे तो लगातार लोग ये टीन तेल जो है वो लगातार इसमें इस तरह डाल रहे हैं और वहाँ से ये तेल भरते जा रहा है। आप लगातार देखिए, वहाँ से वो तेल भरते जा रहा है और यहाँ पर ये तेल डाला जा रहा है। भाई साहब कितना तेल डाला जा रहा है इसमें? यहाँ पे 10,000 लीटर है महाराज। 25,000 टन। अरे कोई 21,000, 25,000। ये तीसरा बोल रहे हैं, कितना डाला जाए? 21,000 टन डाला। 21,000 कोई 10,000 वाले, लेकिन परम जो परम हंस आचार्य ने जो इस दीपक को बनाया है, वो जो जिसने इस दीपक को बनवाया है और तमाम लोगों के सहयोग से जगत गुरु परमहंसाचार्य ने इसको बनाया है, इस दीपक को, उन्होंने हमें बताया है कि इस दीपक को बनाने के लिए पूरे दुनिया भर से मिट्टी लाई गई है। दूसरा, दुनिया भारत में जितने समुंदर हैं वहाँ का पानी लाया गया है। अष्ट धातु, सोना चांदी, तमाम चीज़ इसके अंदर डाली गई है। इस मिट्टी को बनाने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपये का यूज़ किया गया है। 7.5 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुए हैं। 108 लोग पिछले साल से, मतलब एक साल से, इस दिए को बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। पाकिस्तान में हिंगलाज सहित तमाम देशों से, जो भी पवित्र मंदिर है वहां से मिट्टी इसकी लाई गई है। और तो और, इस दिए में जो रुई पड़ी है, जो बीच में आपको गद्दे नुमा दिखाई दे रही होगी, इस रुई, ये रुई 2.5 क्विंटल की तकरीबन है। तो कुल मिला जुला कर ये दुनिया का सबसे बड़ा दिया आज अयोध्या में रामलला के लिए जलाया गया है। ये रामलला के भव्य रूप के लिए जलाया गया है। यहाँ जब मैंने पूछा, लोगों से बातचीत किया, तो लोगों ने बताया कि रामलला का स्वरूप इतना बड़ा है कि उनके लिए छोटे दीपक जो इसके किनारे किनारे जल रहे हैं वो परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए राम का मंदिर 500 साल बाद बन रहा है, इसलिए इतना बड़ा दीपक लगातार जलाया जा रहा है। आप पीछे देखिए तो लगातार लोग तेल इसमें डाल रहे हैं। बीते दिनों बताया गया कि इस दिए को पकाने के लिए 60 लाख रुपए की मशीन भी लगाई गई थी। ये सब चीज़ें बताई गई हैं, हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये बताई गई है। लेकिन जो चीज़ दिख रही है वो सामने है। अयोध्या में दिवाली आज मनाई जा रही है। अयोध्या में दिवाली इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसीलिए आज अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। पीछे कुछ साधु संत बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज, ये दिए के बारे में कुछ बताइए। दिया तो आप देख रहे हैं सामने, ये दिया जल रहा है। ये क्यों जलाया गया है? ये आपका जो राम मंदिर जो बन रहा है उसी को समय जला जा रहा है। दशरथ दीप। हाँ, ये आप बताएंगे दशरथ दीप के बारे में कुछ? हाँ प्रभु, दशरथ जी ये रामलला के ये प्राण प्रतिष्ठा में ये दीपक जलाया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इस दीप का नाम दशरथ दीप है और इस दीप को इसलिए जलाया जा रहा है ताकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भव्य हो सके, उसमें और उत्साह आ सके। और आप जब देखेंगे तो इस तरह का माहौल है यहाँ पर। बात करेंगे अन्य लोगों से, यहाँ पर माहौल है, एक कार्यक्रम का इसे स्वरूप दे दिया गया है। वहाँ पर आप देखेंगे तो जगत गुरु परमहंस वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर तमाम अन्य जगहों से साधु संत भी आए हैं, कई लोग आए हैं वहाँ पर, वो लोग भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, धार्मिक भावनाओं से, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो भी अयोध्या में आ रहे हैं, साथ में मीडिया का पीपली लाइव भी यहाँ पर पूरा मौजूद है। और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो सारे लोग इस दीप का दर्शन कर रहे हैं और सबके पीछे एक ही कारण है कि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी कार्यक्रम से ठीक 3 दिन पहले अयोध्या में सबसे बड़ा दीप जलाया जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं इस दीप का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो चुका है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा दीप है। 308 फीट का एरिया जो होता है वो लगभग एक स्विमिंग पूल से 4 गुना बड़ा होता है। इसमें कई घर बन जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा दीप
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 दिन पहले इसलिए जलाया गया है क्योंकि राम का स्वरूप भव्य था और उस भव्यता के आगे ये दिया छोटा है, ऐसा जगत गुरु परमहंस कह रहे थे। इस दीपक के बारे में बताएंगे, कहाँ से आ रहे हैं? सादर जय श्री राम। मैं मध्य प्रदेश का सीधी जिले का रहने वाला हूँ। विनय तिवारी नाम है, विनय दास। जगत गुरु परमहंसाचार्य स्वामी का मैं शिष्य हूँ जी। ये दिए के बारे में क्या जानते हैं? इस दिए के बारे में तो यह भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भव्य गर्भगृह में जाने वाले हैं, उन्हीं के उपलक्ष में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या वासी छोटी दिया से दीपावली मनाए थे, आज तो 500 वर्ष के अंतराल में वापस आ रहे हैं अपने भव्य गृह में, इसलिए बड़ी दिया से दीपावली मनाई जा रही जो कि विश्व की सबसे बड़ी दिया है। छोटी दिए से दीपावली मनाई गई थी, बड़ी दिए से दीपावली मनाई जा रही थी। कहाँ से आ रहे हैं? हम अयोध्या धाम के ही हैं। अयोध्या के ही हैं। ये दिया इतना बड़ा क्यों जल रहा है, इसके पीछे कारण जानते हैं? जी, प्रभु का प्रकट उत्सव हो रहा है, प्रभु आ रहे हैं, तो प्रभु जब आएंगे तो अलग अलग रूप से कुछ न कुछ अयोध्या वासी करते हैं, तो हमारे जगत गुरु जी ने यह परंपरा नहीं लगा दी और एक ऐसा 300 फीट का दीप जला दिया जो विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड है। और भी कई लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। इसके आप इस दिए का तेल डाल रहे हैं, कितना तेल डाल चुके अब तक इसमें? 21,000 तेल, 21,000 के तेल चल चुका है। अभी कितना लगेगा कोई संभावना नहीं है। दिख तो नहीं रहा 21,000 लीटर, मतलब अभी और आ रहे हैं तेल। आप क्या करते हैं? बड़ी कम उम्र है। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ। साधु संत वाली या और कोई? साधु संत वाली। साधु संत वाली। क्या बनना है आपको? शास्त्री बनना है। शास्त्री बनेंगे। तो अयोध्या राम की नगरी में ऐसा माहौल इससे पहले कभी नहीं देखा गया है कि इतना बड़ा दिया जलाया जाए, रोडों को चमका दिया जाए, चीजों को बदल दिया जाए, खंभे नए लगा दिए जाए। तो इसके पीछे जो कारण है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम इंद्र प्रकाश है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।